नमस्कार बहनों, स्टिचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कटोरी वाले ब्लाउज की स्टिचिंग सीखेंगे कि हम कटोरी वाले ब्लाउज की किस प्रकार सिलाई करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने कटोरी लिया है और उसकी जो साइडों की 1/4 इंची की सिलाई की हमने मार्किंग की हुई है, उसकी हम सिलाई कर रहे हैं। तो ये 1/4 इंची चौड़ाई पे और 2.5 इंची इसकी ऊंचाई है। जो ये निशान है, जो ये मार्किंग है हमारी, ये 1/4 इंची चौड़ी हमने मार्किंग की है इसकी कटोरी की, और 2.5 इंची तक इसकी लंबाई है। तो ये सिलाई हमने, पहली कटोरी हमने बना ली है और दूसरी पे हम उसी प्रकार से सिलाई कर रहे हैं। बिल्कुल बीच में स्क्वायर करके इसको 1/4 इंच पर निशान लगाया है और उसी हिसाब से दूसरी वाली कटोरी की सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, एक सिलाई जो बीच की हमारी मेन सिलाई होती है, मुख्य सिलाई होती है, वो हमने कर ली है। और अब इसकी जो 2 इंच पर सामने वाली जो हमारी सिलाई होती है, इसको 2 इंच के हिसाब से और तिरछी सिलाई लगाते हैं। 2.5 इंच तक तिरछी सिलाई लगाते हैं। सभी कटोरी में ये सिलाई एक समान ही लगती है, 2 इंची ऊंचाई पे और 2 या 2.5 इंच तक लंबी सिलाई ये लगाते हैं। तो इस हिसाब से, इंची टेप के हिसाब से हम इसको इस प्रकार से सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने 2.5 इंची तक या लगभग 2.25 या 2.5 इंची तक नाप करके हमने इसको सिलाई लगा रहे हैं। बहनों, आपने मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको पूरे इंची टेप के साथ सिलाई की सारे पैटर्न हैं वो बता सकूं, आप भी मुझसे कुछ सीख सकें। तो इसके लिए मेरी वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, दोनों दूसरी साइड को भी हमने उसी प्रकार से मार्किंग कर लिया है और ये सिलाई लगा दी है। अब ये हमारी कटोरी तैयार हो गई है और ये जो हमारी कटोरी का साइड का पार्ट होता है, इसको हम जॉइंट कर रहे हैं। तो देखिए, इस साइड को हम इस साइड में जॉइंट करेंगे और इस साइड को इस साइड में। जो हमारी इसकी नोक होती है कटोरी की, इस नोक को हम इस पार्ट की नोक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। देखिए, कटोरी को थोड़ा सा ऊपर की साइड में ले लेते हैं 1/2 इंची, और जो इनका मध्य होता है वहां से 1/2 इंची की सिलाई शुरू करते हैं। तो पूरे ब्लाउज में लगभग 1/2 इंची की सिलाई हमारी चलेगी। जो भी सिलाई है उसको हम 1/2 इंची तक मार्किंग कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से हमारी सिलाई लग जाती है। तो इस हिसाब से आप पूरी मार्किंग कर लेवे साइड वाले पार्ट की और कटोरी की मार्किंग करके, और 1/2 इंची तक सिलाई लगा ले। मैंने इस वीडियो को बहुत आराम से और धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट भी करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड वाली कटोरी की सिलाई कर लेते हैं और इसे इस पार्ट में जॉइंट कर लेते हैं। 1/2 इंची के हिसाब से सिलाई करते हुए दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर लेते हैं। इसको डबल सिलाई भी लगाते हैं, एक इसके ऊपर की सिलाई भी होती है, और आप चाहें तो इसकी दोनों सिलाइयां अंदर से ही कर सकते हैं। ये आपके हिसाब से है, मैंने इसको अंदर से ही डबल सिलाई से पैकिंग किया है। इस सिलाई के बाद में हम नीचे के जो बेल्ट है हमारे, ये देखिए, ये हमारी सिलाई हो चुकी है। और आप हर सिलाई को हाथ से, नाखून से चीर सकते हैं या फिर आयरन से इसको चीर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कटोरी को एक साइड में, कटोरी की साइड में इसकी सिलाई को चीर देवे, और उसके बाद में नीचे की बेल्ट, ये देखिए, ये हमारी इस साइड का बेल्ट है, इसको हम थोड़ा सा, बेल्ट को थोड़ा सा आगे रखते हैं स्टार्ट की सिलाई में। उसके बाद में 1/2 इंची की सिलाई बराबर बराबर चलती रहती है।
बिल्कुल आसान है। ये जो कटोरी की है दो पार्ट्स ज्वाइंट करने हैं, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। आधा इंच के बराबर सिलाई, बराबर गोलाई देते हुए सिलाई करनी है। बाकी सारी सिलाई बिल्कुल इजी है, ब्लाउज की सिलाई में कुछ भी हार्ड नहीं है। और सिलाइयाँ जितनी आप चीरते जाएंगे उतनी आपके ब्लाउज में फिनिशिंग आएंगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जो कट है, मामूली सा जो तिरछा कट होता है, उसको आप थोड़ा सा कटोरी से आगे रख लें निचले बेल्ट का, और फिर सीधी सिलाई चलने दें। जो कटोरी की सिलाई होती है वो कटोरी की साइड में ही उसको फोल्ड कर दें। और ये हमारे दोनों बेल्ट जुड़ चुके हैं। अब हम इसको अलग अलग करके, और जो इस साइड में हमारी जो हुक की पट्टी लगती है उसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारी हुक वाली साइड है, तो इस पट्टी को हम डबल करके रखते हैं। एक साइड से पिकिंग होती है, दूसरी साइड से ये खुली होती है। तो इस डबल पट्टी को सीधी सिलाई से ज्वाइंट करके और अंदर की तरफ फोल्डिंग कर देते हैं। ब्लाउज का जो सामने वाला साइड होता है उसको हम हुक गड़ाई की पट्टी लगाते हैं। ये हमारी गड़ाई की पट्टी है, वो हमारी हुक की पट्टी थी। इसको हम सिंगल में लगाते हैं और अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, तो ये भी डबल हो जाती है। सीधी और लंबी सिलाई है, और आधा इंच के हिसाब से हमें सिलाई का इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी सारी जो सिलाइयां हैं वो आधा इंच के हिसाब से चलती रहे, ताकि कहीं भी खुसने का भय नहीं हो, सिलाई की खुसने का डर नहीं रहता है। इस प्रकार से हमने पट्टियां दोनों लगा ली हैं, और ये जो गड़ाई वाली पट्टी है इसको देखिए इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। एक साइड में इसकी कानी है, तो डबल फोल्डिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। नीचे तक इसको बराबर रखते हुए किनारी किनारी पे इसकी सिलाई लगा लेते हैं, और ये पट्टी डबल सिलाई से स्टिचिंग हो गई है। ये जो हुक की पट्टी है इसको वापस अंदर की तरफ डबल सिलाई, एक सिंगल सिलाई में सिलाई करके, फिर इसके ऊपर सिलाई करके, और अब इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारी हुक की पट्टी भी तैयार हो चुकी है। अब ये दोनों पार्ट हमारे लगभग तैयार हैं। आप देख लीजिए, इसमें कटोरी लग चुकी है, साइड का पार्ट, नीचे का बेल्ट लग चुका है, और ये देखिए ये दोनों पार्ट लगभग बन चुके हैं। अब हम पीछे की जो प्लेटें हैं बैक साइड में, तो उन प्लेटों को लगा रही हैं। इसमें हमारी दो प्लेटें लगती हैं, आधा इंच की चौड़ी और 4 या 5 इंच तक हम उसकी लंबी रखते हैं। तो ये आधा इंच चौड़ी है, इसकी लंबाई हमने 5 इंच तक रखी है, क्योंकि हमारा सीना 38 इंची है। इस हिसाब से हम 5 इंच तक लंबी पट्टी रख सकते हैं, और अगर इस सीने में थोड़ा अंतर हो 32 इंची का हो, तो इसको हम 4 इंची तक रखते हैं। इन प्लेटों को हम 4 इंची तक रखते हैं। या हमारा गला गहरा डीप हो तो भी हम इन सलवटों को 4 इंच तक ही ऊंचाई लंबाई रखते हैं इनकी। तो ये हमारी दोनों पीछे की जो प्लेटें हैं वो लग चुकी हैं, और ये हमारा पीछे का पोर्शन भी तैयार है। अब हम इसमें आगे की जो पार्ट तैयार किए हुए थे उनको हम जोड़ेंगे। तो ये सुलटी साइड में सुलटा साइड जो है, जो आगे के पार्ट है उनको ऊपर शोल्डर में सेटिंग कर दिया है, और इन दोनों को सबसे पहले हम शोल्डर इनकी जॉइंट करेंगे। तो दायां भाग दाएं भाग के ऊपर और बायां भाग बाएं भाग के ऊपर रख के, और इनको सुलटे पे सुलटा रख के और सिलाई कर ली जाती है। इस सिलाई को डबल करके पक्का कर लिया है।
ये दोनों सिलाइयां लग चुकी है। अब हम इन पे बाजू सेटिंग करेंगे। तो हमारी जो बाजू का आगे का पार्ट है वो आगे की साइड में और जो पीछे का बैक साइड है उसको पीछे की साइड में। तो ये देखिए जो कटिंग किया हुआ है ये साइड आगे का है और ये जो चौड़ा साइड दिख रहा है आपको ये पीछे का है। पीछे का साइड हल्का सा ज्यादा होता है और आगे का साइड थोड़ा सा कटिंग किया हुआ होता है। तो ये हमने कटिंग किया हुआ साइड आगे रख लिया है और उसको आगे की साइड में जॉइंट कर रहे हैं। बाजू की सीधी गोल सिलाई है पूरी, जैसे राउंडिंग है वैसे आधा इंच के हिसाब से पूरी राउंडिंग सिलाई आप लगा लीजिए। बिल्कुल इजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए बहनों। और ये 38 इंची का है, मैं आपको फर्मे के हिसाब से 32, 34, 36 और 38 इंची तक सारे ब्लाउज के नेप से आपको फर्मा कटिंग दिखाऊंगी, ताकि आपको जिस नेप का चाहिए उस नेप के हिसाब से आप अपने ब्लाउज को फर्मा कटिंग करें। जितनी ज़्यादा आप फर्मा कटिंग करेंगे आपको कटिंग समझ में आ जाएगी, उसके बाद में आप कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं और उसकी सिलाई भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आजकल ब्लाउज की सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसकी सिलाई प्रत्येक बहन को आनी चाहिए, इसी उद्देश्य से आप सिलाई जरूर सीखें। तो ये देखिए आगे की जो हमारी बाजू की मोड़ाई होती है उसको हमने 1.25 इंची तक निशान लगा लिया है। 1.25 इंची तक हम फोल्ड करके दोनों हिसाब से बराबर में और इसको घर्ड लगा लेते हैं। पूरी फोल्ड करके आप इसको घर्ड लगा लीजिए। गहरी घर लगाने के बाद में ये इधर उधर नहीं जाती है और बराबर बराबर में इसकी फोल्डिंग हो जाती है। इस प्रकार से हमने इसको घर लगा ली है। इसकी जो आगे की है ये तो नीचे की मोड़ाई तक ये वीडियो चलेगी, इसके बाद जो दूसरी वीडियो है उसमें मैं आपको अंदर की पैकिंग सिलाई और पाइपिंग के बारे में बताऊंगी। तो इसके पीछे ही इसकी जो पार्ट नंबर 2 दूसरी वीडियो आएगी, तो आप उसमें इसकी इस ब्लाउज की नीचे की मोड़ाई और पैकिंग सिलाई, जो हमारा मार्जिन होता है उसकी पैकिंग की सिलाई और हमारी गले की पाइपिंग भी आप देख सकते हैं और अपनी ब्लाउज को पूरी तरह से बना सकते हैं। इसकी दूसरी वीडियो भी आप जरूर देखें। ये हमारी बाजू दूसरे साइड की बाजू लग रही है। आगे की जो थोड़ी सी कटिंग स्लिप दिया हुआ है वो आगे की साइड है, उसको आगे की साइड पे सेट कर दिया है। और जो थोड़ी सी ज्यादा है, जिसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है, वो पीछे की साइड है, बैक साइड में उसको जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए ये जो थोड़ा सा चौड़ा साइड है इसको हम बैक साइड में लगा रहे हैं। आगे की साइड की हल्की सी पतली कटिंग होती है, क्योंकि आगे की साइड में जो कटोरी लग जाने के बाद में हमारे सीने की चौड़ाई कम होती है और पीछे का जो हमारा बैक साइड होता है, पीठ होती है, वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, उसकी वजह से हम आधा इंची आगे की साइड से कटिंग कर लेते हैं। तो ये पीछे की साइड जुड़ चुकी है और ये देखिए ये आगे की साइड हम इस प्रकार से हल्की सी गोलाई होती है इसमें, तो गोलाई देते हुए आधा आधा इंच के हिसाब से बराबर सिलाई लगा लेते हैं। इस सिलाई को आप डबल कर लें ताकि पक्का हो जाइए। सिलाई की खुशने का या ब्लाउज की छीने का सवाल नहीं रहता है, तो इसको हमने डबल साइड में सिलाई कर ली। उसी बाजू की तरह इसको भी हमने, आप ये जो सिलाइयां हमने की हैं इनको आप बाजू की तरफ रख के और इसको चीर सकते हैं या फिर आयरन से चीर सकते हैं। इसी को भी हमने 1.25 इंची का आगे जो हमारी तुरपाई होती है उसके हिसाब से हमने 1.25 इंची इसको फोल्ड कर लेना है। बाजू के आगे की साइड 1.25 इंची फोल्ड कर लेते हैं।
थी हमारी ब्लाउज की बाजू। जो एक्स्ट्रा होती है उसे कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसकी पैकिंग सिलाई लगानी है। तो देखिए, पहली सिलाई जो होती है हमारी, उसको हम सीधी साइड में, जो हमारा ब्लाउज होता है, ब्लाउज का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सुलटी साइड होती है, उसी साइड में हम इसको पहली सिलाई लगा देते हैं। और जो एक्स्ट्रा होता है, सिलाई से छोड़ करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा, उसको कटिंग कर दीजिए आप, और उसके बाद में अंदर की तरफ फोल्डिंग करेंगे तो वो हमारी पैकिंग सिलाई हो जाएंगी। तो इसकी हमने ऊपर की साइड में एक मोटी सिलाई लगा ली है, और ये सिलाई अंदर जाने के बाद हमारी गुम सिलाई या पैकिंग सिलाई बन जाएगी। इसको हमने सुलटे पर सिलाई कर ली। ये देखिए, ब्लाउज का हमारा सीधा हिस्सा है और सीधे पे सिलाई कर ली है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसकी कटिंग करके हम उल्टी साइड में इसकी सिलाई करेंगे, तो वो हमारी पैकिंग सिलाई हो जाएंगी, जिसमें हमारी जो सिलाई है वो दिखाई नहीं देती है। जो हमारी जो मार्जिन की जो सिलाइयाँ होती है, जो सीधी सीधी तीन चार मार्जिन की सिलाइयाँ होती है, हमने देखी बेल्ट को और बाजू को एक सिलाई में, सीधी सिलाई में हमने ज्वाइंट किया है।